AB is an isosceles triangle such that AB AC 30 cm and BC 48 cm. AD is a median to the base BC. What is the length of AD? ओके मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस चीज को मैं छोटा कर देता हूँ। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनकी साइड हमें दे रखी है एबी और एसी इक्वल होंगे। ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये 30 है और ये भी आपका 30 हो जाएगा। एडी क्या है? बीसी पर एक मीडियन हमें दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से एक मीडियन को ड्रॉ करूँ इस तरीके से, मीडियन क्या करता है कि दो इक्वल पार्ट में साइड्स को डिवाइड करता है। ठीक है, मीडियन का काम यही है, मध्य का इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और BC की लेंथ कितनी है भाई? इसकी लेंथ हमें दे रखी है 48। इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 24। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो अब या तो आप यहाँ से ट्रिपलेट लगा सकते हो भाई, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड और दो एंगल भी इसमें इक्वल होंगे। और एक मीडियन है यानी कि इसकी माध्यिका है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगी ये। तो अगर 90 है तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से भी ये 30 है, 24 है, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 के स्क्वायर माइनस का 24 के स्क्वायर, और इसका रूट होना चाहिए। ओके, तो हम इसको कर सकते हैं। 30 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 माइनस 576, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 8 में से 5 जाएगा 3, 324। जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 18। तो जो यहाँ पर इसकी हाइट होगी ना, या फिर इसको माध्यिका की लंबाई बोलो या फिर एडी बोलो, ठीक है, जो भी आपको बोलना है, ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1।